ग्रेटर फरीदाबाद बीपीटीपी प्रिंसेस पार्क सोसाइटी के लोगों ने आज बरसात के बीच बिल्डर की मनमानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर लोगों ने बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे स्थानीय लोगों का आरोप है कि सोसाइटी में लगभग 4000 लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मेंटेनेंस के नाम बिल्डर मनमानी वसूली तो कर रहा है, लेकिन मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। ऐसे में आरडब्ल्यूए की तरफ से मेंटेनेंस को टेक ओवर करने की मांग रखी गई है, लेकिन अब बिल्डर उनसे भी मनमानी वसूली करने पर लगा हुआ है। लोगों का कहना है कि वो पूरा भुगतान कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुविधा नहीं मिल रही है। मैडम, यहाँ पे बिल्डर की अपनी मनमानी चल रही थी, यहाँ पे कोई भी काम किया नहीं है उन्होंने। और दूसरा ये है कि अपनी मनमानी से ये जब मन करता है रेट बढ़ा देता है, जबकि आज गवर्नमेंट भी किसी भी हिंदुस्तानियों को सपोर्ट कर रहा है किसी न किसी भी तरीके से, लेकिन ये दो खर्च करता है तो 5 गुना चार्ज करता है। और मनमानी से कोरोना टाइम के अंदर इन्होंने, हमने इनको बोला है कि भाई थोड़ा सा सैनिटाइजेशन कर लीजिए, साफ सफाई कर लीजिए, नहीं किया। यहाँ पे 200 से 250 लोगों को यहाँ पे कोरोना हुआ था, और कोरोना के टाइम पे भी इन्होंने लोगों की बिजली काटी थी। ये लिख दिया है कि हम लोग सोसाइटी का टेक ओवर ले रहे हैं। हम लोग, ये मेरी मर्जी है, ये हमारा हार्ड एंड मनी है। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं सब नौकरी वाले हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं, और अपनी हार्ड एंड मनी में से निकाल के किसी न किसी तरीके से इनको कैम देते हैं। उसके बावजूद भी जब प्रशासन को हमने ये बता दिया था कि भैया ऐसे ऐसे हम लोग टेक ओवर कर रहे हैं, टेक ओवर करने के बाद हमने डीसीपी जो भी हायर अथॉरिटी था सबको इन्फॉर्म किया था। उसके बाद यहाँ पे जो बिल्डर ने बाउंसर बुलाया, किसने बुलाया हम ये पूछना चाहते थे। हमने बिल्कुल टेक ओवर के लिए हम लोग जा चुके हैं, टेक ओवर के लिए हमने जो भी प्रोसेस होता है पूरा फॉलो किया है, हमने कोई भी चीज़ हमने छुपाई नहीं है। हमने प्रशासन को भी इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पे हालात खराब हो सकते हैं। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों ने अपनी सुरक्षा को लेकर भी बिल्डर पर सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाया है कि बिल्डर सोसाइटी में बाउंसर्स रखता है और लोगों को धमकाया जाता है और शिकायत करने पर बदसलूकी की जाती है, यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जाता, जिसे लेकर अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के चलते लोगों की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया और इस मौके पर स्थानीय पुलिस भी मौजूद रही। इसका कारण ये है, 2006 में इस बिल्डर को ये लाइसेंस मिला था कि ये प्रिंसेस पार्क नाम की सोसाइटी सेक्टर 86 में बनाई जाए। इसने 2009 में 36 महीने में इसने पूरा प्रोजेक्ट तैयार करके देना था, जिसमें सारी प्रोजेक्ट की फैसिलिटीज होनी चाहिए थी, फ्लैट्स होने चाहिए थे, ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट सब होना चाहिए था। आज उस बात को लगभग 16 साल बीत चुके हैं, 16 साल के बाद भी हमारे पास ना बेसमेंट है, ना हमारे पास मास्टर रोड से कनेक्टिविटी है, ना सीवरेज है, ना पानी है, और ना ही हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का लोड है, ना जनरेटर इसने लगाए हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, फर्जी रजिस्ट्रियां कराई हुई है इसने। उसके अलावा इसने जो मनमाने वसूल कर रहा था मेंटेनेंस के चार्जेस, वो बहुत ज़्यादा थे, सारी ग्रेटर फरीदाबाद से सबसे ज़्यादा थे। सर्विसेज के नाम पे 0 था और बाउंसरों का आतंक चल रहा है। उससे निजात पाने के लिए हमने ये कोशिश करी कि हम कम से कम प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर सकते, मेंटेनेंस सर्विसेज अपने हाथ में ले लें। तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे थे पिछले 4 महीने से, जब से नई आरडब्ल्यू आई है। उसके लिए हमने सारे प्रशासन से भी सारा कॉन्टैक्ट किया और मीडिया में भी निकाला, अखबारों में नोटिस दिए और लीगल नोटिस इनको भी भेजा। उसके जवाब में कोई एग्रीमेंट हमारा 8.5 करोड़ का IFMSA डकार चुके हैं। बीपीटीपी के खिलाफ पहले भी ये लोग प्रदर्शन कर चुके हैं और लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान होता है और उन्हें राहत मिल पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।